दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास है, आपको एक छोटा सा आयुर्वेदिक उपाय बता रहा हूँ जिसका इस्तेमाल करने से आप बढ़ा हुआ पेट, मोटी कमर, जांघों, हाथों की चर्बी, शरीर की तमाम एक्स्ट्रा चर्बी फैट को ये पिघला देगी। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सुबह सुबह दिन की शुरुआत आपको एक चाय से करनी है और ये चाय है दोस्तों त्रिफला वाली चाय। इससे वजन कम तो होगा ही होगा, साथ ही साथ ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी को बढ़ा देगा और शरीर पे बीमारियां वायरस अटैक नहीं कर पाएंगे। जैसा कि नाम से पता चलता है त्रिफला ये तीन फलों का मिश्रण है, यानी कि इसमें आंवला, बहेड़ा और हरड़, इन तीनों को मिलाकर बनाया जाता है। त्रिफला चूर्ण आप किसी भी किराने दुकान या फिर आयुर्वेदिक दुकान, जड़ी बूटी बेचने वालों के दुकानों से खरीद सकते हो और इससे आप चाय बना सकते हैं। दोस्तों ये चाय शरीर में जमा खराब वसा यानी कि फैट को तोड़ने और उन्हें जलाने का, बर्न करने का काम करती है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को सुधार करता है, इस प्रकार से वजन घटाने में हेल्प करती है। त्रिफला चाय पाचन को ठीक करती है और कब्ज के लक्षणों को कम करती है। अगर आप सुबह बाथरूम जाते हो और एक बार में पेट साफ नहीं होता, बार बार जाना पड़ता है, तो इस त्रिफला चाय का इस्तेमाल आप 7 दिनों तक जरूर करके देखना। इससे पेट आपका अच्छे से साफ होगा और शरीर में जमी चर्बी एक्स्ट्रा फैट को भी बर्न करेगा। ये दोस्तों ओवरऑल बॉडी फैट को कम करेगा, ऐसा नहीं कि बस पेट की चर्बी कम करेगा या फिर कमर की चर्बी कम करेगा, ये पूरे शरीर के फैट को बर्न करता है। इसमें दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है जो रेडिकल से लड़ते और ऑक्सीकरण को रोकता है और इस प्रकार पेट के सूजन को कम करने, शरीर के सूजन को कम करने में आपकी हेल्प करता है। इसके अलावा दोस्तों इस चाय को पीने के बाद आप कुछ भी खाओगे पियोगे तो खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा और खाया हुआ जो खाना है उसका पूरा पोषक तत्व आपके शरीर को मिलेगा। इसमें यह त्रिफला काफ़ी फायदा करता है, ये शरीर के पोषक तत्वों को अच्छी तरह से अवशोषित करने और आत्मसात करने में मदद करता है। यह बेहतर नींद को भी बढ़ावा देता है। अगर रात को नींद नहीं आती हो तो त्रिफला चूर्ण वाली चाय जो मैं आपको बताऊंगा उसे पियो, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, आप बहुत अच्छा फील करोगे। इसके अलावा दोस्तों ये तनाव और चिंता को कम करता है। कभी कभी हमें घबराहट से फील होती है, खामखा तनाव और चिंता रहती है, उसे भी कम करने में हेल्प करता है। तो वीडियो को फटाफट ख़त्म करता हूँ, लंबा नहीं करूँगा, आपको बताता हूँ इस चाय को कैसे बनाना है। आपको 1 कप गर्म पानी लेना है और 1/2 चम्मच इस पाउडर को डालना होगा। इसे अच्छी तरह से हिलाओ और गुनगुना होने के बाद पी लो। आप चाहो तो इसमें शहद भी डाल सकते हो और इसमें आप अलसी का पाउडर भी डाल सकते हो। अलसी का पाउडर दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर रहता है, साथ ही साथ इसमें काफ़ी मात्रा में फाइबर पाया जाता है। आप 1/2 चम्मच अलसी पाउडर को डालकर पी लो और इसे दोस्तों हमेशा खाली पेट पीना है। आप जब भी सुबह उठो तो सबसे पहला काम होना चाहिए आपका कि 2 से 3 गिलास हल्का गर्म पानी, गुनगुना पानी। अगर पानी गुनगुना ना कर सको, टाइम नहीं है, तो सादा पानी पी लो, फ्रिज का पानी नहीं पीना है। बासी मुँह बगैर ब्रश किए, बगैर कुल्ला किए आपको 2 से 3 गिलास पानी पीना है। इससे पेट और आंतें अच्छे से साफ होती है। उसके 10 मिनट के बाद इस चाय का सेवन करना है। इसका सेवन आपको लगातार 1 महीने तक करना, 7वें दिन से आपको फ़ायदा दिखना शुरू हो जाएगा, आप अपने आप में महसूस करोगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप त्रिफला चूर्ण कभी भी उपयोग कर चुके हो तो उसके किस तरह के आपको फायदे मिले आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना।